स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया था। अलग अलग तरह का, जैसे कि नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर हैं, रैशनल नंबर हैं, उसके अलावा रियल नंबर्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9। इसे है क्या जीरो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इस जीरो इज ए रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखें। जैसे हमें पता है कि रैशनल नंबर को हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा कोई भी नंबर जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है वही रैशनल नंबर कहलाता है। तो क्या हम जीरो को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 0/1, 0/2, इस तरह से लिखा जा सकता है? तो यस, आंसर क्या रहेगा इसका, यस, जीरो इज रैशनल नंबर। जीरो इज रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड करना है हमें, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। जनरली दो नंबर्स के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स लाइज। दो नंबर्स के बीच बहुत ज्यादा मात्रा, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे हमें 3 और 4 के बीच रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, कितने, 6। तो उसके लिए मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ। जैसे कि हमने लिख लिया 3 और यहाँ लिख लिया 4, और 6 रैशनल नंबर निकालने हैं तो 6+1, एक ज्यादा लिख लेते हैं और 6+1, तो मेरे पास दो रैशनल नंबर जनरेट हो जाएंगे, ये 3/7 और ये होगा 4/7। और इसी से हमने क्या किया है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और 7 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद हम देखो, ये होगा हमारे पास 21/7 और ये होगा 28/7। उसके बाद हम लगातार कंटिन्यूसली, जैसे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7, हमारे पास ये 6 रैशनल नंबर्स हैं, जो कि इसको हम 3 लिख सकते हैं और इसको हम 4 लिख सकते हैं। 3 और 4 के बीच हम इस तरह से 6 रैशनल नंबर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। सिमिलर मेथड है, क्या करें, सबसे पहले कि हमें 5 नंबर निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर, तो हम ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करें, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 6 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 5 नंबर है ना, क्यों किया है, क्योंकि n इज इक्वल टू 5 है, तो हमें नंबर कितना लेना पड़ेगा, 1 उससे ज्यादा, एक ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/5 था यहाँ पे, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से डिवाइड। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है इस नंबर में, एंड हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा, 4/5 × 6 × 6। ओवरऑल हमारे पास ये 18/30 और ये हमारे पास आ जाएगा 20/30। अब इसके बीच, इन दोनों के बीच न्यूमरेटर में आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इस तरह से इसमें आंसर लिख सकते हैं, कैसे, 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 एंड 24/30। तो हमारे पास ये 5 नंबर्स
are inserted between 3 by 5 and 4 by 5. Now next is what was question number 4. क्वेश्चन फोर क्या कहता है, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। इसमें क्या कहता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। जैसे ये डेफिनेशन मैंने आपको बताई भी है, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 अप टू एन तक जाता है, इनफाइनाइट नंबर है। और होल नंबर में हमारे पास 0, 1, 2, 3 और देखें ये स्टेटमेंट क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर क्योंकि 1 होल नंबर में है, 2 होल नंबर में है, 3 होल नंबर में है, तो एवरी नेचुरल नंबर नंबर इज होल नंबर, ये ट्रू है। फर्स्ट का आंसर हमारे पास ट्रू है। सेकेंडली एवरी इंटीजर इज होल नंबर। सेकेंड इंटीजर, अब इंटीजर का सेट मैंने आपको बताया है, इंटीजर क्या होते हैं, 0, -1, 1, -2, -2 इस तरह से आइदर साइड में। अब कहता क्या है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव की टर्म है वो होल नंबर में नहीं होती है, तो ये हमारे पास फॉल्स है। थर्ड पार्ट इज एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। नो, रैशनल नंबर में मैंने क्या बताया है, रैशनल नंबर पी ओवर क्यू होता है और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट ये प्लस भी हो सकते हैं, माइनस के नंबर भी हो सकते हैं, बट होल नंबर के अंदर माइनस के नंबर से नहीं होते हैं, तो इसलिए हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है। इस तरह से फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, इसको अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना है। ओके।